पिछले पेपर ही अगर हम देखते हैं यूपीपीसीएस का, तो एक ट्रेंड तो साफ दिख रहा है कि शायद यूपीपीसीएस ट्रेंड कर रहा है यूपीएससी की तरफ, और थोड़ा सा वो एनालिसिस में भी उतर रहा है। तो आप इसे कितना आप रूबरू होना चाहेंगे, कितना आप इस पर बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि यूपीपीसीएस अब नेचर चेंज हो गया उसके क्वेश्चंस का भी। पहले अगर हम कहें तो 90% क्वेश्चन टोटली फैक्चुअल होते थे, कहाँ हैं, कौन है, कब है, कैसे है, इतने तक सीमित होता था, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी सिलेबस का पार्ट हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी आते थे, तो मैक्सिमम यही होते थे कि पादप उत्तक कौन सा है, नहीं है, कौन से मतलब यहाँ रासायनिक क्रिया हो रही है, या फिर ये फिजिकल गुण है, इसका मतलब फिजिकल क्वालिटी है, ये सब क्वेश्चंस आते थे। बट एट द सेम टाइम अब इसी टाइम यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस जो है, बोले तो हम बोल सकते हैं 60% फैक्चुअल रह गया है, तो 40% अब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हो गया है। और यूपीएससी की तरह इन्होंने भी मतलब पहले ए बी सी डी चार सीधे ऑप्शन थे, लेकिन अब इन्होंने भी उसमें मतलब 1 2 2 3 1 2 3 ऑल ऐसे करके मतलब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी टफ भी हो गया है पहले से, और कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और देना चाहूँगा जी 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 एक बिल्कुल। एग्जांपल था, जैसे मिडाइवल इंडिया में जनरली अगर यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आते थे, तो कभी राजाओं की उपाधियाँ, राजाओं द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ पूछते थे, या फिर किसी बहुत महत्वपूर्ण शासक है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे थे कि इसने इस नीति को फॉलो किया था कि नहीं किया था, या कभी कभी बहुत फेमस किसी बुक के राइटर का नाम पूछ लिया, या कौन किसके सभा में बैठता था ये पूछ लेता था। लेकिन अब ये जो एक पॉलिटी का सेक्शन था मिले, जिसमें राजा राजाओं को के छोड़ करके, अब काफ़ी की टर्म्स रेवेन्यू के टर्म्स हो गए हैं, लिटरेचर के टर्म्स हो गए हैं, कुछ इकोनॉमिक टर्म हो गए हैं, कुछ क्षेत्रीय जो राज्य थे उनमें फेमस मतलब कोई वास्तुकला बनी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी एक तरह से डिटेल हो गया। पहले मेनली एक तरह बोलते थे कि नॉर्थ इंडिया के बारे में ज़्यादातर पूछता था, लेकिन अब साउथ इंडिया के टेम्पल्स के बारे में, राजाओं की उपलब्धियाँ, और भी बहुत सारे चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर लिया है, तो अब काफ़ी डाइवर्स हो गया है सिलेबस भी यूपीपीसीएस बिल्कुल का। बिल्कुल। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही या ठीक उचित कही है कि यूपीएससी फिर भी लगता है कि हो सकता है एक बार, पर यूपीपीसीएस का कंपटीशन देखते हुए इतने लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं और लगभग हर कोई इसकी तैयारी कर रहा है, आपको क्या लगता है कि मेंस में जो लोग ऑप्शनल चुनते हैं अब उसका कितना बड़ा रोल रह गया है यूपीपीसीएस में? तो थोड़ा मतलब मार्क्स वाइज कम हुआ है, पहले 800 का था, अब 400 नंबर का ही रह गया। तो पहले ये जनरली मेरा मानना है कि मतलब एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हुआ ऑप्शनल का, दूसरा कम मार्क्स 750-500 तक आ सकता था, लेकिन अब एक ऑप्शनल हो जाने की वजह से आप 200 भी ला सकते हैं, 250 भी ला रहे हैं, 60 भी ला रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑप्शनल का रोल कम हुआ है, और लोग थोड़ा ऑप्शनल पे कम डिपेंड भी हुए हैं। क्योंकि एट द सेम टाइम जीएस जो पहले 400 मार्क्स का था, 200 नंबर का, जिसमें पहले टिक मारने क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो अब सब्जेक्टिव हो गए हैं लाइक यूपीएससी, तो यहाँ पे स्कोर करने का चांसेस बढ़ गए हैं।